अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक पे विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मानव और मानवता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। एचएनएनएचआरसी तथा एसएचआरसी को और ज्यादा सक्षम और व्यापक बनाने के लिए तथा आयोग में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव है। आयोग में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, सिविल सोसाइटी की भागीदारी बढ़ाना, विभिन्न वर्गों के अभिव्यक्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रावधान में अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग जन के मुख्य आयुक्त को मानव सदस्य के रूप में सम्मिलित करना है। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त अध्यक्ष को भी इसका पात्र बनाया जाए, इसका प्रस्ताव है। एनएचआरसी तथा एसएचआरसी के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है। एसएचआरसी के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को अध्यक्ष का पात्र बनाने का प्रस्ताव है। राजीव जी, दिल्ली के सिवा संघ राज क्षेत्रों के मानक अधिकारों से जुड़े कार्य राज आयोगों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। एनएचआरसी की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए इसके महासचिव तथा एसएचआरसी के सचिव को पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने का प्रस्ताव है। महोदय, इन प्रस्तावों के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को और राज्य के मानव अधिकार आयोग को अधिक शक्ति प्रदान कर मानव के अधिकार को और संरक्षित करने का और उसको न्याय देने का यह प्रस्ताव है।